गट नेता होने की हैसियत से मैंने एमआईएम के पूरे नगर सेवक को कहा था कि कल उप महापौर का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में पार्टी की ओर से शेख अख्तर जफर को उम्मीदवारी दी गई है और कल सुबह 10:30 बजे पूरे नगर सेवक ने महानगर पालिका में आके उप महापौर पद के लिए अपने को मतदान करना है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और औरंगाबाद के खासदार माननीय इम्तियाज जलील साहब ने भी पूरे नगर सेवक से कहा था कि कल सुबह 10:30 बजे महानगर पालिका में आके उप महापौर पद के इलेक्शन में सबने अपने उम्मीदवार को मतदान करना है, लेकिन हमारे कुछ कॉरपोरेटर ने हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष पार्टी का आदेश इसका पालन नहीं किया और वोटिंग को आज आए नहीं, इसलिए महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने 6 कॉरपोरेटर को पार्टी से निलंबित किया गया है। उसमें सायरा बानो अजमल खान, संगीता वागुले, नसीम बी सांडू खान, विकास एडके जी, शेख समीना शेख इलियास और सलीमा बाबू कुरैशी, इनका समावेश है। पार्टी के आदेश के इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए उन पर पार्टी ने कार्रवाई की है। तो अभी तक आपके पास कितने राजीनामे? मेडिकल के काम से बाहर गए हुए औरंगाबाद से, इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन जो औरंगाबाद शहर में होके नहीं आए उन पे कार्रवाई की गई। नहीं, जिन्होंने आपसे इजाजत लेके गए हुए मेडिकल काम से, उनके नाम बोलिए, उनके नाम क्या है वो कॉर्पोरेटर? जिन्होंने इजाजत लेके आपसे गए, जमीर कादरी साहब है हमारे, अजीम भाई इराक को गए हुए उन्होंने, और सईद फारूकी जो हमारे उन्होंने दूध हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके मिसेस पैर का ऑपरेशन हो चुका है ऐसी मालूमात मिली है, लेकिन उनको भी हम नोटिस देने वाले पार्टी की ओर से कि उन्होंने क्यों नहीं आ सके, इसलिए जो भी कॉरपोरेटर इस सभा को नहीं आया, मतदान करने को नहीं आया, इसी पूरे कॉरपोरेटर को पार्टी की तरफ से नोटिस दी जाने वाली है। नहीं तो क्या बगावत हुई क्या आपके पार्टी में, एमआईएम में बगावत हो गई क्या? नहीं, अभी पड़ी क्या फूट पड़ी गई, एमआईएम में बगावत हुई क्या? यानी कि ये लोग नहीं आए, इसका सीधा संदेश जा रहा ना, बगावत हुई क्या? नहीं ये बोलो।